हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप आप सभी ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। और आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट नोटिस शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने इस चैनल को क्यों बनाया था उसके बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके उसको चेक करें। आप सभी जानते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी ने हमारे लिए, हम सब के लिए एक होमवर्क दिया है, जो कि टीवी मिनिस्ट्री के लिए है। और टीवी मिनिस्ट्री में सीड बोने की जो होमवर्क है, या प्रार्थना करने का, फास्टिंग प्रेयर का जो भी होमवर्क है, तो मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया था बहुत पहले था, लेकिन इसको स्टार्ट मैंने इसलिए अब किया है कि जब ये चैनल अप्रूवल होगा इनकम के लिए, तो इससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो सारी इनकम वो टीवी मिनिस्ट्री के लिए यूज होगी, चैरिटी के कामों के लिए, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए इस्तेमाल होगी, सुसमाचार के लिए इस्तेमाल होगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसकी रीच बढ़ सके, क्योंकि अभी इसमें हमको 500 सब्सक्राइबर्स और चाहिए और टाइम वॉचिंग की कमी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, सभी वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि टाइम रीच बढ़ सके और सब्सक्राइबर बढ़ सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो यही लिखा है। तो चलिए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और अपनी आँखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, आप महाने पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता बाप आज के दिन के लिए, सुंदर ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर, आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपने जो हमको होमवर्क दिया पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर, वो होमवर्क पिता परमेश्वर कंप्लीट होने पाए परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज तेरी रोशनी पिता परमेश्वर तेजी बल के साथ परमेश्वर चमके इनकी लाइफ में पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर जितने लोग आज के इस वचन को पढ़े पिता परमेश्वर वो ग्रहण करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आज का वचन पिता परमेश्वर जो आपने अपने दास के द्वारा हमें दिया वो है राजाओं का वंश, कि हम राजाओं के वंश है पिता परमेश्वर। सचमुच हम राजाओं के वंश है, क्योंकि आप हमारे राजा पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता बाप। खुदावन पिता परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर आज के इस वचन के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता बाप। जितने लोग इस वचन को पढ़े सुने सौगुणा फलों को लाए और आशीषित हो परमेश्वर, आपके रोशनी उनके जीवन में आज चमके पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर होली घोष फायर से उनके सारे बंधन टूटे पिता परमेश्वर। आज खुदावन पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, निकोला राबा सीकर राबा 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 निहुंदा राखा नारामा सुतो राखा राबा 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 राबा। आज जितने भी लोग इस वचन को सुने उनके ऊपर होली उस पार्ट को मैं रिलीज करता हूँ और उनके बंधन सारे टूटे आज यीशु मसीह के नाम में, सारे बंधन उनके टूटे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद इसी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते निथो राखा नारामा सीबा राबा 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 निहुला रबा खंदर रबा सिको रबा शबा। सारे अंधकार की योजनाएं, सारी शैतानी योजनाएं इनकी लाइफ से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी चीज है धन्यवाद यीशु। सारी इज्जत महिमा जलाल परमेश्वर आपके नाम को देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज का वचन, आप राजाओं के वंश हैं, जैसे कि दानियल की पुस्तक अध्याय 1:3-5 में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर होने के योग्य हैं, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने की दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दानियल बचपन से ही परमेश्वर के प्रति वफादार था, और राजा ने कहा कि केवल वही पुरुष लेकर आना जो राजाओं के परिवार के वंश से संबंध रखते हों, जो सभी प्रकार की बुद्धि में निर्दोष सुंदर और कुशल हों। मेरे प्रियो, जब भी शैतान हमला करता है वह राजाओं के वंशों पर हमला करता है, ताकि वह उनकी काबिलियत को नष्ट कर सके और वह असलियत में वैसे न दिखे जैसा वह है। इसलिए यदि आप परमेश्वर के करीब हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि शैतान आप पर हमला नहीं करेगा या आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक चुने हुए लोग हैं, राजपदधारी
महायाजकों का समाज और परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, इसलिए शैतान आप पर हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी शैतान आप पर हमला करता है तो इसका मतलब है कि आप में कुछ ऐसा है जिससे वह डरता है कि अगर मैं इस पर हमला नहीं करूंगा तो वह कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन बाइबल कहती है कि राजा ने दानियल को तब उठाया जब वह एक बच्चा था और दानियल ने वही करने का फैसला किया जो परमेश्वर के वचन में कहा गया था। अगर हमें अपने दर्शन को पूरा करना है तो हमें परमेश्वर के वचन पर खड़े होना पड़ेगा। इसलिए दानियल ने फैसला किया कि मैं उस शराब को नहीं पीऊँगा जिसे राजा ने तैयार किया है, फिर चाहे मुझे कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों न सहनी पड़े। और यह लिखा है कि जब दानियल परमेश्वर में बना रहा तो वह राजा के सपने का अर्थ बता सका जो ज्योतिषी और पंडित भी नहीं बता पाए। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप घटी में होते हैं तो आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। जरा सोचिए कि अगर दानियल अपने मुश्किल समय में वह न करता जो परमेश्वर ने कहा था तो क्या वह पवित्र आत्मा उसके साथ रहता जो हमेशा उसके साथ रहता था? क्या वह सपने का अर्थ समझा पाता? अब अगर आपको कोई समस्या है या एक दुष्ट आत्मा आप पर हमला करती है तो आपको यह समझना है कि आप राजाओं का वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो। इसलिए शैतान आपकी काबिलियत को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ऐसे समय में पाप में जाने की बजाय परमेश्वर की पवित्रता में बने रहें। परमेश्वर आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे अनुग्रह दें ताकि मैं आपके वचन पर अड़ा और खड़ा रहूं, सिर्फ खुशी के समय में ही नहीं बल्कि उस समय भी जब मेरी प्रार्थना का उत्तर न मिले। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं और मेरा परिवार हमेशा आपकी आराधना करते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।